महेंद्र सिंह धोनी सचिन तेंदुलकर ने जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को सबूत दिखाए तो उस ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी पता लग गया कि हमारी ऑस्ट्रेलिया वो बेईमानी से इंडिया से ट्रॉफी जीती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बहुत ही बड़ा ऐलान, बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको सुनने के बाद हर भारत का फैन जो है खुशी से झूम उठे, नाच पड़ा है। जी हाँ, भारतीय फैंस पर चेहरे की झलक फिर उछाल आई है, क्योंकि इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा के भी आंख से आंसू छलक आए जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बयान सुने हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपको पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा। जी हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनने के बाद आप भी एक बार खुशी से झूम उठेंगे, तो दोस्तों चलिए आपको सारे सबूत आपके सामने रखते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि यह जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल दोबारा से होना है, ये किस तारीख को और कब होगा, कहां पर यह है मुकाबला होगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, भारतीय टीम के हौसले के लिए सभी लोग सच्चे दिल से कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद जय भारत। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मुकाबला फिर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हारी है। मुझे शर्म के साथ कहना पीडीडीएच रहा है, लेकिन बेईमानी नहीं की इंडिया ने, बेईमानी ऑस्ट्रेलिया की टीम और उस अंपायर ने की है, जिसकी वजह से भारतीय में चारा है और भारत के हाथ से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चली गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले एमएस धोनी अगर ना होते तो शायद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये फाइनल मुकाबला दोबारा हो पाता। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि इन दोनों व्यक्ति ने आईसीसी चीफ को भी सबूत दिखाए, बीसीसीआई को भी सबूत दिखाए। और सबूत की बात अगर हम करें तो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को भी सबूत दिखाए, तो इन लोगों को भरोसा हुआ कि हाँ, हमारी ऑस्ट्रेलियाई टीम है। अंपायर की गलती की वजह से इंडिया ये मैच आ रहा है, तो इस मैच को हम दोबारा जरूर कराएंगे। खर्चा चाहे जितना भी हो, इस खबर को सुनने के बाद भारत के हर एक फैंस के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो पर ज्यादा से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला 19 से नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक और कांटे का था। हालांकि 10 मुकाबले इंडिया टीम लगातार जीतते हुए आ रही है और एक भी टीम में इन्होंने बेईमानी नहीं की। सच्चाई हमेशा सच्चाई के साथ ही रहती है, उनके साथ कभी नहीं जैसा कि जहां झूठ और फरेब हो। मैं आप सभी को बता दूं, इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा बहुत ज्यादा टूट गए जब शुभमन गिल आउट हुए। लेकिन शुभम गिल के आउट होने से रोहित शर्मा हल्का फुल्का टूटे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अभी हूँ। लेकिन जब रोहित शर्मा मैक्सवेल के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर आउट बताया गया तो रोहित शर्मा को भी आउट घोषित कर दिया, तब काफी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन विराट कोहली ने उनको सहानुभूति दी कि आप चिंता मत करें, अभी मैं हूँ। यानी कि इंडिया टीम का पूरा भार विराट कोहली पर चला गया। लेकिन इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा किस तरीके से आउट हुए थे, यहाँ पर पूरा का पूरा बवाल खड़ा हो गया। जी हाँ, जब मैक्सवेल के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पड़ी तो रोहित शर्मा ने जब लंबा शॉट खेलने की कोशिश की तो बाउंड्री के भीतर वो बॉल रह गई और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी से कैच हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी के हाथों कैच कैसे हुई, आप सभी को बता दूं, सारा का सारा माजरा यहीं पर है। वो बॉल जमीन से छूकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के हाथ में गई थी, लेकिन स्पीड बॉल की और खिलाड़ी की इतनी ज्यादा थी कि पता ही नहीं लगा कि जमीन से छूकर उसके हाथ में आई है, उसने डायरेक्ट आउट बता दिया। हालांकि रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कुछ बोल पाता इससे पहले पहले जो है अंपायर ने उनको रोहित शर्मा को आउट बता दिया। अंपायर की एक गलती की वजह से इंडिया का सारा सपना टूट गया, लेकिन ये फिर से मैच खेला जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, इस वजह से मैं खुद चाहता हूँ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल वर्ल्ड कप दोबारा से खेला जाए, और इसीलिए मैं लगातार ये खबर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह मैच दोबारा खोला जाए।